अभी निकलना हो रहा ऑफिस से, तो चलते हैं। आज वैसे भी 30 का फर्स्ट है, तो देखते हैं घर पे क्या तैयारी हो रखी है। क्या हुआ, कहाँ थी तुम? तुम्हें फोन किया था, तुम उठा नहीं रही थी। हैं, कहाँ सो रही थी? हम परेशान थे। हैं, बेबी कहाँ था? ये है आयश के खिलौने, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, रेंच, प्लास, जैसे इनके खिलौने हैं। अपनी गाड़ी बनाने बैठे हैं ये देखिए कैसे कर रहे हैं। छोड़ बेटा, सब सही है, मत करो आयश खराब है। बेटा सब सही बेटा, रहो तुम बोलने में मनाई थोड़े ना, बोलते रहो। हाँ निकाल, एक निकाल है, एक निकाल के उनमें चढ़ा दो, सुबह भी करनी पड़ेगी तुझे। ये देखो इसमें भी कुछ सामान है, इसमें कंघा रख दो पीछे। क्या देखो इसमें मिठाई है, इलायची है। अब पान निकालो, पान निकाल के वहां रखो। इसको पहले इसको छिड़क लो पान को, उससे उस पानी से। ये मेहंदी भी चढ़ा दो उसमें, मेहंदी भी चढ़ा दो, सात आइटम नहीं हो रहा है। मेहंदी भी रख दो पीछे, वही जहाँ कंघा रखा। हाँ बस इसमें तो नहीं डालते हैं, इसमें नहीं डालते प्रसाद। हाँ वहीं पर रख दो, कटोरी में तोड़ के नहीं, ऐसे ही रख दो। बस अब आरती स्टार्ट करो, पहले वो जला दें। हाँ दोनों चीज़ें जल वो कर दो, फिर कथा स्टार्ट करो, फिर आरती। तो हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, पंडित जी जा रहे हैं कथा पढ़ने। चलेगा 30 तीजों की कथा, जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पर्वत पर गिरा से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मृत्यु का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, या किसी सिंह व्याघ्र आदि हिंसक वन महाभयानक प्रतीक होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी उस समय पर भाद्रपद मास के हर्ष नक्षत्र युक्ति तृतीय के दिन तुमने मेरा विधि विधान के अनुसार पूजन किया, तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने 30 वाली जो व्रत होता है उस पर कथा पढ़ी, वरना आज तक कभी मैंने पढ़ी नहीं थी। कब पढ़ी थी मैंने, कब पढ़ी थी कथा पता नहीं, मुझे नहीं याद है। अरे पिछले साल तो कानपुर में करी थी ना तुमने, यहीं करी थी पता नहीं। मेरी वाइफ कह रही कि मैंने पिछले साल पढ़ी थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पर जहाँ तक मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस एंड करता हूँ आज का व्लॉग, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आप सबने भी जो 30 का फेस्टिवल है वो भी जो फास्ट है वो किया होगा। आई होप आप सबका 30 अच्छे से मना होगा, और आशा करता हूँ आप सबके घर परिवार में खूब सारी खुशियाँ हैं। और प्लीज़ यार अपना सपोर्ट देते रहो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियोज़ प्लीज़ देखते रहो, क्योंकि आप लोग हो तभी सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वॉग में, टिल देन बाय बाय।